हे गाइस, वेलकम बैक टू टीम्स फॉर विन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रीव्यू कर रहे हैं PSL का मैच नंबर 15 जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में खेला जाएगा। इस मैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और फैंटेसी की स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की टीम्स सब कुछ जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखें और एट द एंड अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट में लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से आप जरूर पहुँच जाना। फाइनल अपडेट और जो फैंटेसी टीम होगी आपको वहीं पे जो है फाइनल डेडलाइन से पहले मिल जाया करेगी। बेसिकली आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप के सर्च बार में जाना है और जाने के बाद आपको बस सर्च करना है टीम्स फॉर विन। और यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने जो यहाँ पे टीम्स फॉर विन लिंक नाम से एक चैनल देखने को मिलेगा, उस चैनल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो मेन चैनल है इस वाले चैनल पे आपको ज्वाइन करना है। आप चाहे तो सेकंड चैनल या बास्केटबॉल के लिए पर्टिकुलर एक चैनल है उस पर जा सकते हो, बैटिंग के लिए एक चैनल है वहाँ पर जा सकते हो और बैकअप जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैनल। सो सारे चैनल्स यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, तो यहाँ से आपको जैसे ही ये लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चैनल देखने को मिलेगा जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर आपको जो है आके ज्वाइन कर लेना है। नीचे ज्वाइन का बटन आपको शो हो रहा होगा नीचे, तो इस वाले बटन को आपको दबाना है और यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। यहीं पे आपको फाइनल टीम मिलेगी और अपडेट जो भी आएंगे डेडलाइन से पहले सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जरूर जो है बिना भूले आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ओके, सो गेट ऑन विद इट। अब पिच रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो अगर लेटली देखा जाए स्टार्टिंग में पिच अलग कुछ खेल रहा था, वैसे कह सकते हो कुछ 10 मैचेस तक पिच का बिहेवियर अलग था, 10 या 8 9 मैचेस आप मान के चलो, तो वहाँ तक अलग पिच का बिहेवियर था। देन उसके बाद से जितने भी मैचेस हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल ही अलग जो है पिच ने बिहेव किया है। पर्टिकुलर लास्ट के कुछ 5 मैचेस उठा के देखते हो तो भाई देखने को मिलेगा कि वहाँ पे चेजिंग साइड स्ट्रगल कर रही है सेकंड इनिंग में, तो बॉलर्स को जो है अच्छा खासा अमाउंट में सेकंड इनिंग में हेल्प मिल रहा है। लेकिन पहला इनिंग में स्टिल बैटर्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैटर्स के ऊपर फोकस ज़रूर करना। लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत स्पिनर्स या हो सकता है क्रूशियली आप देखा जाए तो पेसर्स भी काफ़ी अच्छा जो है डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ज़रूर फोकस करना पड़ेगा। वेन्यू स्टार्ट्स क्या कहते हैं, 47 मैचेस अभी तक जो इस वेन्यू पे T20 के खेले गए हैं जिसमें से 31 टाइम्स बैटिंग सेकंड यानी चेस करने वाली साइड ने विन किया है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 16 बार टीम्स ने विन किया आउट ऑफ 47, जिससे देख के पता चलता है कि डिफेंड करना उतना आसान नहीं है। लेकिन लास्ट 5 मैचेस में वो चीज़ हो रखी है जो कि यहाँ पे करके दिखाया है कुछ टीम्स ने और पॉसिबल हुआ है, खास करके लाहौर कलंदर्स जिनके पास बॉलिंग डेप्थ अच्छी है, तो मैं मानता हूँ इस मैच में थोड़ा अपर हैंड होल्ड कर सकते हैं इन केस वो अगर पहला बैटिंग करते हैं तो। स्कोर पैटर्न अगर ब्रेकडाउन करके देखते हैं तो रीसेंट मैच सुल्तान्स अगेंस्ट जलमी का था और वहाँ पे 222 बना के जलमी के अगेंस्ट डिफेंड किया था यहाँ पे जो है मुल्तान सुल्तान्स ने। देन उससे पहले लाहौर कलंदर्स ने जो है यूनाइटेड के अगेंस्ट 174 डिफेंड किया था, उससे पहले पेशावर जलमी ने जो है कराची किंग्स के अगेंस्ट जो मैच था वहाँ पर 173 डिफेंड किया था। देन उससे पहले यूनाइटेड ने जो है 229 डिफेंड किया था ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट और कलंदर्स ने जो है जलमी के अगेंस्ट 199 डिफेंड किया था। तो कलंदर्स ने लास्ट 5 में से 2 मैचेस ऐसे हैं जहां पे उन्होंने जो है डिफेंड किया है टोटल और सक्सेसफुली डिफेंड किया है। सो ये चीज़ दर्शाती है कि जो कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस मैच में अगेन क्रूशल रहेगी, तो ज़रूर उनके ऊपर फोकस करेंगे। और बैटिंग की जब बात आती है तो पहला इनिंग में कलंदर्स की तरफ से कुछ बैट्समैन हैं उनके ऊपर ज़रूर मैं बोलूँगा कि वो आप पिक करके चलो। देन अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो है आगे आप देखते हो या कुछ ग्लैडिएटर्स के भी कुछ मैचेस हैं जिन पे उन्होंने जो है यहाँ पे अगर देखते हो ग्लैडिएटर्स का परफॉर्मेंस तो ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं है। चेजिंग करते समय खास करके पहला बैटिंग करते समय प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग कुछ अच्छा करके दिखाए, अभी तक तो कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो पहला बैटिंग करके उनका आया नहीं है। इवन दो लास्ट 5 मैचेस में बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, 61 विकेट्स उन्होंने निकाले और उनमें से पेसर्स का कंट्रीब्यूशन जो है काफ़ी बढ़िया रहा है, आउट ऑफ 61 उनके 30 विकेट्स रहे हैं। और पहला सेकंड इनिंग का अगर स्प्लिट करते हो तो सेकंड इनिंग में ज़्यादा जो है यहाँ पे उनके विकेट्स मार्जिन रहते हैं, तो सेकंड इनिंग के जो बॉलर्स रहेंगे खास करके पेस बॉलर्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पिनर्स दोनों इनिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, पहले खास करके सेकेंड इनिंग में अच्छा करते थे लेकिन अभी दोनों इनिंग में जो है इक्वली जो है परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस मेन्यू पर टीम्स का परफॉर्मेंस अगर देखते हो
तो कैटा ग्लैडिएटर्स जो यहाँ पे आपको 16 मैचेस खेलते हुए देखने को मिलेंगे, जिनके 7 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 9 मैचेस लॉस किए। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखते हो तो उतना खास इस वेन्यू पर नहीं है। मैं लास्ट 5-6 मैचेस में भी आपने देखा होगा परफॉर्मेंस उनका, जब चेस किया तब जो है यहाँ पे बैटिंग कोलैप्स रहा, जब बॉलिंग जो यहाँ पे करने की बारी आई, डिफेंड करने की बारी आई, तो सेकंड इनिंग में, पहला इनिंग में तो रन्स नहीं बना पाते, देन उसके बाद सेकंड इनिंग में अगर देखते हो तो डिफेंड करते समय भी उनके बॉलर्स ने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। रिसेंट जो मैच खेला था यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला था क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और यहाँ से जो है 229 चेस करना था और 186 पे ये ऑल आउट हो गए, तो चेज नहीं कर पाए थे सक्सेसफुली। अहसान अली इवन दो काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो चाहे लूजिंग कॉज हो या विनिंग कॉज हो, इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन टीम के लिए प्रोवाइड किया है। 50 इन्होंने लास्ट मैच में लगाई थी। देन उसके बाद अगर देखते हो तो इंटरनेशनल इम्पोर्ट्स, देखो एक मेरे जो नोटिसेबल चीज़ है कि इनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खास करके फॉकनर हो या जैसे कि आप बोल सकते हो यहाँ पे बेन डकेट हो, जेम्स विंस तो चलो ठीक है लास्ट मैच में इनको खिलाया, लेकिन मैं मानता हूँ ओपन कराना चाहिए बेन डकेट और विंस, इनमें से कोई टॉप 4 में दोनों को रखे तो इनकी बैटिंग थोड़ा अच्छी हो सकती है, स्ट्रेंथन हो सकती है। और इफ्तिकार अहमद को इतना ऊपर भेजने से बढ़िया है नवाज को थोड़ा ऊपर भेजे, फॉकनर को ऊपर भेजे, शहीद अफरीदी को ऊपर भेजे, तो ये चीज़ें की जा सकती है, चेंजेस प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में अगर सफल हुआ तो अच्छा खासा बैटिंग जो है डेप्थ प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बैटिंग लाइनअप अच्छी है, लेकिन बस वो पोजीशन जो है उनकी चेंज कर दी जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं। बॉलिंग से अगर देखते हो तो मोहम्मद नवाज ने जो है 2 विकेट निकाले थे और फॉकनर को 1 विकेट और शहीद अफरीदी को 1 विकेट मिला था। शहीद अफरीदी सरप्राइजिंगली लास्ट ओवर जो है यहाँ पे डाले थे, जो 20th ओवर है उन्होंने बॉलिंग कराई थी, तो ये थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि स्पिनर्स के द्वारा लास्ट ओवर डिलीवर कराना बहुत ही अनयूजुअल माना जाता है। सुल्तान्स के अगेंस्ट ग्लैडिएटर्स ने 174 बनाना था और वहाँ पे भी चेज नहीं कर पाए, 6 रन से मैच को चूक गए थे। विल स्मीड और अहसान अली ने जो है यहाँ पे अगेन अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ओपनिंग करते हुए, खास करके स्मीड जल्दी आउट हो गए लेकिन अहसान अली इवन दो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बेन डकेट को 1 डाउन पे खिलाया था, लेकिन जैसे ही जेम्स विंस आए वो 1 डाउन पे आ गए, देन बेन डकेट को नीचे पुश ज़्यादा कर दिया। थोड़ा अगर 4 नंबर पे रखते तो ठीक था, इवन दो डकेट के साथ ओपन भी कराया जा सकता है, नो इश्यू, उसमें ओपन भी कर सकते हैं, अपनी काउंटी वगैरह के लिए ओपन कर चुके हैं। सरफराज अहमद, देन उसके बाद इफ्तिकार अहमद, इफ्तिकार को जो है थोड़ा ऊपर खिलाया जा रहा था तो मैं मानता हूँ ये थोड़ा नीचे हो सकता है। अब शहीद अफरीदी आ चुके हैं तो ज़्यादा इश्यू नहीं आना चाहिए, ऊपर बैटिंग आ जानी चाहिए शहीद अफरीदी की आई गेस। फॉकनर ने लास्ट मैच में अच्छा हैंड खेला है तो उनको भी बैटिंग अगर मिल जाती है ऊपर तो वो भी अच्छा कर सकते हैं, उनके इंटरनेशनल लेवल पे ODI में 100 वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो यूनाइटेड को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्लैडिएटर्स को जो है फोकस करनी पड़ेंगी। हसनैन जो है वो बॉलिंग एक्शन के चलते सस्पेंड हो चुके हैं तो वो तो नहीं खेलेंगे, और उनको यहाँ पे 2 विकेट मिले थे, फॉकनर को 1 विकेट मिला था। उसके अलावा कराची किंग्स के अगेंस्ट 113 उनको बना, पहला तो रोका उनको बहुत छोटे टोटल पे और चेस भी किया क्योंकि एक छोटा टोटल था तो आराम से चेस कर लिया। देन उस मैच में ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा किया था विल स्मिड और अहसान अली ने, और बॉलिंग से खास करके नसीम शाह जो 5 विकेट इन्होंने निकाले थे, डेथ में बॉलिंग कराते हैं, खास करके ध्यान रखना डेथ में बॉलिंग कराने वाला प्लेयर है, कभी भी आपको बंच में विकेट निकाल के दे सकता है। और सुहेल तनवीर 2 विकेट, ये भी जो है आपको स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में क्रूशियल विकेट्स निकाल के दे सकते हैं, और बीच में एक आध ओवर इनका स्पेल आता है जहाँ पर ये अच्छी खासी टर्न वगैरह करके जो है यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं क्योंकि इनका अनयूजुअल एक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा इनको हेल्प प्रोवाइड करता है। मोहम्मद नवाज ऑल्सो बॉलिंग की ओपनिंग करा रहे हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हैं, इसी वजह से जो है आपके लिए गो टू बॉलर हो सकते हैं, और एज ए ऑलराउंडर कंसिडर करो तो भी काफ़ी अच्छे पिक मेरे को नजर आ रहे हैं। 4th और 5th मैच आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं मोस्टली जो है ओपनर्स ने ही अच्छा किया है, ओपनर्स का ही परफॉर्मेंस रहा है इस सीज़न अभी तक, मिडल ऑर्डर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया नहीं है और लोअर मिडल ऑर्डर से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। और बॉलिंग से अगर देखते हो तो नवाज, फॉकनर और नसीम शाह, देन उसके अलावा तनवीर ने एक आध मैच में, और हसनैन अभी नहीं है तो ज़्यादा बॉलिंग भी अभी जो है यहाँ पे बची नहीं है इनके पास, और वो डेप्थ नहीं नज़र आया बॉलिंग में, पूरा जो एनर्जी होना चाहिए वो नहीं नज़र आया था। लाहौर कलंदर्स की तरफ से अगर बात करें तो 13 मैचेस इन्होंने इस वेन्यू पे खेले हैं, 7 जीते, 6 मैचेस लॉस किए, तो ओवरऑल रिकॉर्ड इनका भी उतना खास नहीं है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनका जो कॉम्बिनेशन है टीम का, जो 11 खिलाने का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, एज़ कम्पेयर टू मैन टू मैन मार्किंग करते हो आप तो ज़रूर जो यहाँ पे वो थोड़ा आगे आपको कलंदर्स निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। रिसेंट जो मैच खेला था इन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट था और 174 बना के डिफेंड किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा के अगेंस्ट 229 डिफेंड किया था और यहाँ पे जो है कलंदर्स ने 174 डिफेंड किया सेम टीम के अगेंस्ट। और इस मैच में ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था, अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान दोनों ने जो है काफ़ी अच्छे स्टार्ट लिए, देन अगर देखते तो मिडल ऑर्डर में थोड़ा कोलैप्स आया और हैरी ब्रूक को जो है बहुत नीचे खिलाया, ये मैं मानता हूँ यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर खिलाया जा सकता है,
स्टिल जो है यहाँ पे इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अब देखो कमरान गुलाम को वन डाउन पे खिलाने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, फिल साल्ट है और हैरी ब्रूक है, तो चलो ठीक है ओपनर्स तो सेटल्ड हैं, तो एटलीस्ट आप फिल साल्ट को वन डाउन पे खिला सकते हैं, कमरान गुलाम को एज अ फिनिशर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी कुछ दिल शाह को यूज़ करती है टीम इस्लामाबाद, तो वैसे कुछ अगर चाहते हैं तो ये लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस ये पॉसिबल लग रहे हैं मेरे को, तो बैटिंग ऑर्डर में यहाँ पे भी एक आध चेंज, मैं ज़्यादा नहीं स्टिल पुश नहीं करूँगा कि एक आध चेंज अगर यहाँ पे हो तो ठीक है, वरना टीम डिसाइड करेगी बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। शाहीन अफरीदी को एक विकेट और जमान खान को एक विकेट, जमान खान मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा प्रोडिजी है, आगे चल के ये बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं और बहुत क्रूशल ओवर्स डालते हैं, लास्ट मैच में इन्होंने फाइनल ओवर डिलीवर किया था, तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह बॉलिंग कराते हैं, अच्छे टाइम पे बॉलिंग कराते हैं, इसीलिए आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक बन जाते हैं। हारिस रौफ दो विकेट और रशीद खान को एक विकेट मिला था। सेकेंड रिसेंट मैच पेशावर जलमी के अगेंस्ट 199 बना के डिफेंड किया था और इस मैच में भी ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और कमरान गुलाम ने इस बार 30 रन बनाए और हफीज़ ने जो है 37, तो अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था टॉप ऑर्डर से। और बॉलिंग में तो हर बार इनकी बॉलिंग चमकती है, शाहीन अफरीदी खास करके और साथ में जो यहाँ पे जमान खान, काफ़ी दोनों पेसर्स ने जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया और रशीद खान तो वो फ्लेवर ऐड करते ही हैं, जो इकोनॉमिकल बॉलिंग है वो इनका जिम्मा रहता है रनों को रोकना और बाकी एंड से जो है वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू वगैरह मिल जाते हैं इनके चलते। डेविड वीजे कभी कभी लास्ट ओवर बॉलिंग कराते हैं तो वो चीज़ भी ध्यान रखना, फाइनल ओवर कभी कभी डालते हैं ये, लेकिन डेथ में बॉलिंग कराने वाले प्लेयर नहीं है, स्टिल कभी कभी लास्ट ओवर के लिए इनको रखा जाता है सेव करके। लास्ट मैच में सिर्फ एक ही ओवर बॉलिंग कराई, सो वो थोड़ा फिक्स नहीं है इनके ओवर्स की कितने ये बॉलिंग कराएंगे। कराची किंग्स के अगेंस्ट 170 चेस करके जो यहाँ पे जीता था 6 विकेट से और इस मैच में भी फ़खर जमान ने 100 लगाया था, ओपनर्स ऑल दो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लोअर मिडल ऑर्डर ने उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी तक किया नहीं है, स्टिल ओपनर्स जब तक चल रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है कलंदर्स के लिए, लेकिन जिस दिन जो है यहाँ पे ओपनर्स जल्दी निपट गए उस दिन देखना पड़ेगा, टेस्ट आएगा यहाँ पे मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर के ऊपर बर्डन रहेगा रन्स बनाने का। शाहीन अफरीदी, जमान खान अगेन एक एक विकेट, रशीद खान एक विकेट और हारिस रौफ को 3 विकेट इस मैच में और हफीज़ ने जो है बॉलिंग कराई एक ओवर और एक विकेट उनको मिला। लास्ट मैच में भी हफीज़ ने बॉलिंग कराई थी, काफ़ी अच्छा स्पेल उनका लास्ट मैच में भी रहा था और पावर प्ले में कराई थी, ये थोड़ा जो है यहाँ पे ऑकवर्ड था लेकिन स्टिल ठीक ठाक ही उन्होंने कराई बॉलिंग अच्छी इकोनॉमी के साथ और जो है यहाँ पे काफ़ी टाइट बॉलिंग कराई थी। कलंदर्स जो है 206 अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, स्टार्टिंग के मैचेस में से ये है और यहाँ पे 200 प्लस का टोटल भी चेज हो रहा था उस टाइम पे और ओपनर्स इस मैच में भी चले थे, टॉप ऑर्डर अगेन चला, मिडल ऑर्डर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया नहीं। शाहीन अफरीदी के 3 विकेट और हारिस रौफ और रशीद खान को एक एक विकेट इस मैच में मिला था। लास्ट सीजन का भी एक मैच है कराची किंग्स के अगेंस्ट और ये देखना चाहते हो देख सकते हो, रिसेंट के कुछ मैचेस में उठा के देखते हो तो फ़खर जमान इज़ लाइक इनविंसिबल एट दिस पिच, जब भी इस विकेट पे खेले हैं तो वो हमेशा से जो है यहाँ पे रन्स बना रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उनको जो है विकेट भाग के आ गया है तो ज़रूर वो अच्छे रन्स बना रहे हैं। प्लेयर्स इस वेन्यू पे अगर देखते हो तो सरफराज अहमद यहाँ पे जो है 23 इनिंग्स में 507 रन्स बना चुके हैं, 26 का एवरेज है। इफ्तिखार अहमद 24 इनिंग 422 रन, 23 का एवरेज और उसके बाद अहसान अली हैं जो 10 इनिंग्स में 385 रन बना चुके हैं 42 के एवरेज के साथ। देन उसके बाद जो यहाँ पे शाहिद अफरीदी हैं 277 रन हैं, 17.5 के आसपास का एवरेज है। और उसके बाद अगर देखते हो तो यहाँ पे जो है सुहेल अख्तर हैं जिनको 10 इनिंग्स में जो है 216 रन मिल चुके हैं। आई गेस यहाँ पे जो है एक प्लेयर का फ़खर जमान का जो है यहाँ पे आई गेस स्टैट्स में सो रखा है तो वो टॉप स्कोरर हैं, तो बस आप ये थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। बॉलिंग से अगर देखते हो तो शाहीन अफरीदी हैं 23 इनिंग में 28 विकेट हैं, देन उसके बाद शाहीद अफरीदी हैं जो 16 इनिंग में 25 विकेट उन्होंने निकाले हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ पे मोहम्मद नवाज़, आई गेस ये शहीद अफरीदी है, देन उसके बाद शाहीन अफरीदी है, सो ये सेम नाम होने की वजह से थोड़ा सा नेम यहाँ पे जो है चेंज हो जाता है। देन उसके बाद जो यहाँ पे मोहम्मद नवाज़ 22 इनिंग्स 19 विकेट्स, हारिस रौफ 14 इनिंग 18 विकेट, काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है हारिस रौफ का और सुहेल तनवीर के भी जो है यहाँ पे 23 इनिंग में 17 विकेट्स हैं। ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कराई लेकिन स्टिल काफ़ी क्रूशल टाइम में बॉलिंग कराते हैं स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में, देन उसके बाद जो मिडल ऑर्डर में भी मिडल ओवर्स में भी जो है एक आध ओवर इनका रहता है। हेड टू हेड हिस्ट्री में 12 मैचेस अभी तक खेले गए हैं, 6-6 दोनों टीम्स ने जो इक्वली विन किए हैं मैचेस, तो ज़्यादा कोई टीम यहाँ पे भारी नहीं पड़ी है। लास्ट 5 मैचेस में लाहौर ने जो है काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म किया है, 4-1 क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो ओवरऑल देखो तो लाहौर लास्ट के 5 पर्टिकुलर मैचेस में अच्छा किया है, ओवरऑल फिगर्स में ठीक ठाक ही है। इस वेन्यू पे भी जो एक मैच खेला गया था वो भी लाहौर कलंदर्स ने ही हेड टू हेड में जीता हुआ है। शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी रीसेंट मैच खेला गया था, ग्लैडिएटर्स ने 158 बनाया और कलंदर्स 140 ऑल आउट किया कलंदर्स को,
और डिफेंड किया था ग्लैडिएटर्स ने। अब एक जो चीज़ यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, पिच के अकॉर्डिंगली आपको हेड टू हेड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब, मतलब आपको जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एक तो मैं जब डिस्क्राइब करता हूँ तो वो चीज़ें सही से सुना करो, क्योंकि ये वेन्यू अलग है, शेख जायद स्टेडियम है जो यूएई का वेन्यू है, उस विकेट की अलग बात होती है। वहाँ पे थोड़ा जो है जब सीज़न एंड होने को आता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रन्स रुकते हैं और डिफेंड करना थोड़ा ईजी बनता है। लेकिन आप अगर पर्टिकुलरली इस विकेट की बात करो तो यहाँ पर 180 प्लस का टोटल ही डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है, और अगर आप 150-160 के आसपास बनाते हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कत चेजिंग साइड के लिए आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज इस मैच में, खास करके सरफराज अहमद हेड टू हेड में पूरा आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं अगेंस्ट कलंदर्स। और उसके बाद यहाँ पे खुर्रम शहजाद हैं जिनको 3 विकेट मिले हैं, मोहम्मद नवाज को 2 विकेट। कलंदर्स की तरफ से बैटिंग कोलैप्स बिल्कुल, ओवरऑल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, सब ऑड इवन नंबर्स में गए थे। और बॉलिंग से अगर देखते हो तो यहाँ पे जो है हफीज़ और रशीद खान को 1-1 विकेट मिलता हुआ। नेशनल स्टेडियम कराची यानी इसी विकेट का मैच जहाँ पे 178 बनाया था ग्लैडिएटर्स ने और यहाँ पे कलंदर्स ने चेज़ कर लिया। सो यही डिफरेंस है जो मैं बता रहा था। अब यहाँ पे 158 चेज़ नहीं हो पाया था, वही कलंदर्स थे और वही ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्वाड था, सिमिलर प्लेयर्स थे, लेकिन यहाँ पे 178 बनाया था सेम इसी वेन्यू पे जो अब मैच होने वाला है कराची पे, और वहाँ पे जो है 178 भी जो है चेस कर लिया था उन्होंने, सिर्फ 1 विकेट के लॉस था। तो ओवरऑल अगर देखते हो तो यही डिफरेंस क्रिएट होगा, वेन्यू जब चेंज होगा तो काफ़ी सारे चेंजेस जो है आपको स्कोर कार्ड में देखने को मिल जाएंगे। सरफराज अहमद अगेन ग्लैडिएटर्स की तरफ से ये जो है टॉप स्कोरर रहे थे, और मोहम्मद नवाज 33 नॉट आउट। और बॉलिंग से खास कोई बॉलर अभी तक जो है परफॉर्म नहीं कर पाया ग्लैडिएटर्स की तरफ से एज यूजुअल। और कलंदर्स की तरफ से अगर देखते हो तो बैटिंग से फखर जमान चेस करते समय इन्होंने 82 नॉट आउट की इनिंग खेली, और मोहम्मद हफीज़ अच्छी पार्टनरशिप 73 नॉट आउट, इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। पहला इनिंग में हारिस रऊफ को 3 विकेट मिले थे और अहमद दानियाल, रशीद खान और अफरीदी को जो है 1-1 विकेट जो है ईच मिला था। गदाफी स्टेडियम लाहौर यानी कलंदर्स का जो है होम वेन्यू, और वहाँ पे पहला बैटिंग किया था कलंदर्स ने 98 for 9, ये जो है यहाँ पे इनका स्कोर रहा था। पहला इनिंग में बहुत छोटे टोटल पे आउट हुए, कलंदर्स ने जो है आराम से चेस किया और मैच को जीत लिया था। और बैटिंग से पहला इनिंग में ग्लैडिएटर्स की तरफ से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, मोहम्मद नवाज सेकेंड इनिंग में 2 विकेट। और कलंदर्स की तरफ से अगर देखते हो तो हफीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और मिडल ऑर्डर से बेन डंक जो कि अभी तक खेले नहीं है, सो इनके ऊपर देखना पड़ेगा कभी अपडेट आएगा, तो 39 नॉट आउट इनका जो है परफॉर्मेंस रहा था। शाहीन अफरीदी को 2 विकेट, समित पटेल को 4 विकेट इस मैच में मिले थे। गदाफी स्टेडियम लाहौर अगेन वही मैच, कलंदर्स इस बार पहला बैटिंग किया, 209 बनाया था ग्लैडिएटर्स, 172 ऑल आउट किया, कलंदर्स ने 37 रन से मैच को जीता। तो ओवरऑल देखते हो तो लास्ट 5 मैचेस में जो बोल रहा था मैं, कलंदर्स ने चेज भी किया है, डिफेंड भी किया है सक्सेसफुली, सब चीज़ें जो यहाँ पे उन्होंने की हुई हैं। बेन डंक अगेन इस मैच में परफॉर्म करते हुए 93 की इनिंग थी, और समित पटेल विद द बैट इस बार जो यहाँ पे 71 और विद द बॉल सेकेंड इनिंग में 2 विकेट्स इनके नाम पे होते हुए। ग्लैडिएटर्स की तरफ से टॉप स्कोरर रहे थे मोहम्मद नवाज, जो कि एज यूजुअल लास्ट के 5 अगर पर्टिकुलर ईयर्स उठा के देखते हो तो वहाँ पे ये एक काफ़ी अच्छा जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर इनकी टीम के लिए निकल के आया है। लास्ट 3 अगर पर्टिकुलर सीजन्स की बात करो तो वहाँ पे तो एटलीस्ट एज अ ऑलराउंडर इन्होंने अपना कैलिबर पूरा जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। मोहम्मद नवाज पहला इनिंग में उनको 1 विकेट भी मिला था। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे मैच था 2019 में, ग्लैडिएटर्स ने 106 बनाया था पहला इनिंग में, ऑल आउट हो गए थे। कलंदर्स 107 जो है पे चेस करके मैच को 8 विकेट से जीता था। आसिफ अली आई गेस जो यहाँ पे थे, अहसान अली तो नहीं थे, आसिफ अली आई थे, 33 इनके थे और करंट स्क्वाड में पार्ट नहीं है वो। सरफराज अहमद 29, और उसके बाद जो यहाँ पे बॉलिंग से तो कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं था। कलंदर्स की तरफ से टॉप स्कोरर तो नहीं थे, जमान उस मैच में खेले थे लेकिन उनका परफॉर्मेंस आया नहीं था। अगेन ये जो है एक अनयूजुअल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 रन पे निपट गए थे। और उसके बाद बॉलिंग से देखते हो तो पहला इनिंग में तो हारिस रऊफ ने 2 विकेट निकाले थे और शाहीन अफरीदी 1 विकेट। कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स में से अगर देखते हो तो एक तो मोहम्मद नवाज देखने को मिलेंगे, शाहीन अफरीदी देखने को मिलेंगे, और हारिस रऊफ इवन दो बीच में कहीं कहीं पर मिस भी हुए हैं लेकिन स्टिल उन्होंने जो है विकेट्स भी निकाले हैं, जब निकाले हैं 1, 2 या 3 के, एक से ज़्यादा ही मार्जिन उनका हमेशा क्रिएट हुआ है। हेडवेट लीडर्स में देखते हो तो सरफराज अहमद 11 इनिंग 291 रन बना चुके हैं 36 के एवरेज के साथ, इस वेन्यू पे भी अच्छे नंबर पे थे, अच्छे रैंक पे थे स्कोरर्स में। वैसे अगर देखते हो तो फखर जमान वहाँ पे मिस आउट थे स्टैट्स में, लेकिन स्टिल अगर देखते हो तो क्वाइट अप द ऑर्डर आपको रैंक इनका देखने को मिलेगा। फखर जमान 10 इनिंग्स में 287 रन, 31 का इनका एवरेज है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं लेकिन स्टिल वेन्यू पे जो है वो टॉप स्कोरर रहे हैं। मोहम्मद नवाज 10 इनिंग में 166 रन, विद द बैट 20 का एवरेज मेंटेन किया है। बेन डंक जो है 3 इनिंग में 129 रन है, और हफीज़ के जो है 4 इनिंग में 113 रन।
बॉलिंग से मोहम्मद नवाज 12 इनिंग में 10 विकेट टॉप विकेट टेकर रहे हैं ट्विड में, और हारिस रऊफ 4 इनिंग में 7 विकेट, समित पटेल के जो है 2 इनिंग में 6 विकेट्स हैं, देन उसके बाद हसन खान है, आई गेस रशीद खान है इनका, 5 इनिंग में 6 विकेट, और उसके बाद शाहीन अफरीदी 7 इनिंग में 5 विकेट। सो ये है चाह चुका है ये एक्चुअल में। ओके, प्लेयर बैटल एंड मैचअप्स की बात करूँ तो इफ्तिकार अहमद ने जो है हारिस रऊफ के अगेंस्ट 5 बार विकेट अपना जो है लॉस किया है इन 35 बॉल्स, तो काफ़ी यहाँ पे जो है इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है हारिस रऊफ का अगेंस्ट इफ्तिकार अहमद। स्टिल जो है प्लेइंग 11 में कट बना पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। फखर जमान अगेंस्ट मोहम्मद नवाज़ बहुत स्ट्रगल किया है, 37 बॉल्स पे 4 बार इनको आउट किया है, और फखर जमान जब ओपन करेंगे तो इनके आगे जो है नए बॉल के साथ ज़रूर मोहम्मद नवाज़ आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जो भी इनविंसिबल वाला फील जो आप ले रहे थे फखर जमान के साथ, वो प्रोबेबिलिटी इस मैच में नहीं है, क्योंकि आगे बहुत अच्छा जो है बॉलर आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर जो है यहाँ पे ग्रैंड लीग में ड्रॉप आउट करने की कोशिश करना, मैक्सिमम टीम्स में कहूँगा कि मैं फखर जमान ड्रॉप करके चलो, क्योंकि ये आज के मैच के लिए एक क्रूशल आपका ड्रॉप साबित हो सकता है। शाहीद अफरीदी के अगेंस्ट भी 2 बार विकेट खो चुके हैं। जेम्स विंस समित पटेल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, स्टिल वो अभी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है। रशीद खान के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं, और शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट 2 बार, देन उसके बाद जो है यहाँ पे सरफराज अहमद जो है समित पटेल के अगेंस्ट 2 बार विकेट खो चुके हैं। फखर जमान, मोहम्मद नवाज़ और अहसान खान या अहसान अली जो भी आपका है, तो इनको जो है मैक्सिमम जनता ने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ किया है। एज ऑफ नो सेफ पिक्स के साथ अगर जाना चाहते हो तो इनके साथ जा सकते हो, सेफ जाना है स्मॉल लीग और जो छोटी लीग्स हैं हेटवेड वगैरह उनमें, तो इनके साथ जा सकते हो। अगर थोड़ा डिफरेंशियल कुछ ट्राई करना है तो जेम्स फॉकनर काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेंगे। जो 16 ओवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से मोमेंटम जो है वो डेथ का वहाँ पे डिसाइड होता है कि किस टीम के साइड जो है यहाँ पे सारा डेथ ओवर्स जो है जाएंगे, स्लॉग ओवर्स जाएंगे। तो 16वां ओवर कराते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको अगर पिटाई हुई तो आगे आने वाले 4 ओवर में सबको पिटाई पड़ेगी, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। लेकिन मान लो इनके विकेट मिल गए तो आगे सारा मोमेंटम जो है यहाँ पे बन जाएगा कि किसके जो है यहाँ पे साइड सारा मैच होने वाला है। तो जेम्स फॉकनर क्रूशल ओवर्स डालते हैं और इनके पास वेरिएशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो ज़रूर मैं इनको ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में रिकमेंड करूँगा। शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली एवरग्रीन चॉइस रहते हैं, हमेशा स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं, डेथ में बॉलिंग कराते हैं, तो ज़रूर ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे आपके लिए चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। सरफराज अहमद, इवन दो वेन्यू और जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है वो उठा के देखते हो तो आप इनका जो लास्ट के 2-3 मैचेस का परफॉर्मेंस जो भी है वो आप भूल जाओगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहा है रिकॉर्ड। तो फॉर्म भले ही ज़्यादा खास नहीं है, स्टिल मैं बिलीव करूंगा ग्रैंड लीग में आप ज़रूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में चाहे आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन बना के भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इवन दो आप टीम में ट्राई करते हो तब भी काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी कम सिलेक्शन इनका अभी एज ऑफ नो है, और टॉस के बाद में भी ज़्यादा उनका प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अब भी होगा सिलेक्शन। मोहम्मद हफीज़ ऑल्सो काफ़ी अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रहेगा, क्योंकि लास्ट ओवर में 1 या 2 ओवर बॉलिंग भी कराई थी, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर बॉलिंग कराते हैं तो अच्छी और ज़्यादा अच्छी बात है, वरना सिर्फ बैटिंग से भी काफ़ी अच्छी चॉइस है। पार्टनरशिप जब जो यहाँ पे लगेगी फखर जमान के साथ, मैक्सिमम चांसेस है कि मोहम्मद हफीज़ की ही ज़्यादा बार जो यहाँ पे पार्टनरशिप अच्छी होती है। सो इनको भी आप चाहे तो ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हैं एज अ CVC ऑप्शन। ओके, सो ये कुछ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है स्मॉल लीग के लिए, मैं कहूँगा इसको थोड़ा मीडियम साइज़ की लीग में लेके चलना अगर सेम पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर लेके चल रहे हो, बिकॉज ये ड्राफ्ट टीम है तो इसमें चेंजेस पॉसिबल है, पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पे चेंजेस होंगे, लेकिन स्टिल अगर लेके जाना चाहते हो ऐसा ही कुछ तो मीडियम साइज़ की लीग लेके जाना। अगर हेटवेड या स्मॉल लीग जो 3 मेंबर वाली होते हैं उनमें अगर जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा थोड़े चेंजेस इसमें अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। अब मैंने यहाँ पे अपना जो सिलेक्शन है वो डिसाइड किया है, बेन डकेट, सरफराज अहमद और अहसान अली को मैंने जो यहाँ पे रखा हुआ है फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 3 बैट्समैन मैंने लिए हैं, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक और साथ में मोहम्मद हफीज़, 3 बैट्समैन मैंने लिए हुए हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से। मोहम्मद नवाज़, जेम्स फॉकनर, ये आप मोहम्मद नवाज़ को एज ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो और फॉकनर को बॉलर, तो ये 2 बॉलर हो गए। और मैंने यहाँ पे जमान खान, रशीद खान और शाहीन अफरीदी को जो है एज अ बॉलर लिया हुआ है, क्योंकि मेरे को कलंदर्स की बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, इसलिए मैंने 3 बॉलर जो है वो कलंदर्स के लिए हुए हैं। अब जमान खान की जगह दूसरा कोई बॉलर उठाना चाहते हैं नो प्रॉब्लम आप ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो बॉलर्स हैं उनके
वो सारे ऑलराउंड सेक्शन में जो यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो आपको दिक्कत ज़रूर आएगा कॉम्बिनेशन को जो है यहाँ पे जस्टिफाई करने में, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपको स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन बनता हुआ देखने को मिलेगा जिसमें बॉलर्स सारे के सारे जो है वो कलंदर्स की तरफ से, और मैक्सिमम मेरे चांसेस भी रहेंगे फाइनल टीम में भी मैं जो है बॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा कलंदर्स की तरफ से लूँगा, क्योंकि चाहे वो पहला इनिंग बॉलिंग करे चाहे सेकेंड इनिंग बॉलिंग करे आपको वो अश्योरेंस देते हैं मिनिमम विकेट्स का, एक या दो विकेट हमेशा उनके बॉलर्स कुछ हैं जो आपको पिक करके देते हैं, जैसे कि हारिस रऊफ हो गया, आप चाहो तो ज़मान खान की जगह हारिस रऊफ भी पिक कर सकते हैं, सो आपके पास ये चॉइसेस है जो सर्टेनिटी देते हैं कि आप ज़रूर जो यहाँ पे पिक करेंगे तो वो विकेट्स या आपको पॉइंट्स ज़रूर देंगे। लेकिन आप वहीं पे जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उनके बॉलर्स के आप साथ देखते हैं तो अलग ही वहाँ पे आपका जो है यहाँ पे मामला होता है, ज़्यादा सर्टन नहीं है वहाँ पे विकेट्स आएंगे या नहीं आएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैंने जो यहाँ पे मैक्सिमम जो है कलंदर्स के बॉलर्स को ट्राई किया है। फ़खर जमान कैप्टन, मोहम्मद नवाज़ वाइस कैप्टन, ऑब्वियसली ये जो है पॉपुलर पिक्स के साथ मैं जा रहा हूँ। सरफराज अहमद को रखने का यहाँ पे मेरा बस एक ही रीज़न है कि जो स्टैट्स हैं वो इनको काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन दी है इनको, वरना आप चाहते हैं तो हटा के जो है दूसरा बॉलर आप या बैट्समैन लेना चाहते हैं सॉरी तो आप ज़रूर जो यहाँ पे इनकी जगह पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर भी आपके पास चॉइस है, ऑलराउंडर लेना चाहें तो ऑलराउंडर इनकी जगह ले सकते हैं, मैं रिस्की ऑप्शंस में ज़्यादा बिलीव करता हूँ तो इसलिए मैंने जमान खान और सरफराज अहमद एज अ जो है डिफरेंशियल चॉइसेस मैंने रखा हुआ है। फिल साल्ट आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, चाहे तो साल्ट को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपके पास वो ऑप्शन रहेगा। और फाइनल टीम जो रहेगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट में लिंक है, वहां से आप जरूर जो पहुंच जाना। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर सही लगा तो लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन ऑल पे सेट ज़रूर कर सकते हो। दैट्स इट, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू अपडेट्स के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। बंद, सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। देखो देखो खूब क्रिकेट देखो देखो, तुम्हें ज्यादा फिक्र है कि कपिल देव आउट कैसे हो रहा है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं कि माँ बाप ने तुम्हारा पेट भरने के लिए कितना कर्ज उठाया है। जासू भी जा क्या देखता है यहाँ, क्रिकेट देखा देख।